सो गाइस, आपने थंबनेल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। और ये है हमारा टेबल जो कि रिपेयरिंग टेबल है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, पूरा जगह एक भी खाली नहीं है। तो रिपेयरिंग वाला जो जगह होता है कुछ ऐसा ही होता है, आप क्या करेंगे। थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम चल रहा है हमारा टेबल का भी, ये टेबल अभी नया हमने बनवाया है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरा कबाड़ है। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो ये जो है हमारा टच निकालने का मशीन, जिससे हम कॉम्बो से टच निकाल के दूसरा टच नहीं बोलेंगे, उसका ऊपर का डिस्प्ले का ऊपर जो ग्लास लगा रहता है उसको निकालने का, ये मशीन है। और ये उसका वायर। और यहाँ से शुरू करें तो ये है हमारा एक टूल जो कि परचेज करने के बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये देखिए इसमें क्या दिक्कत है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा मिलने वाला है। ये देखिए, ये खोलने कसने के काम आता है, 1500 का मैंने लिया था, लेकिन इसमें एक कमी है। इसका जो बिट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, लेकिन इसमें कमी ये है कि इससे क्या होता है कि नट बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है, और मोबाइल का जो नट स्लिप हो गया तो फिर उसको तोड़ना पड़ता है, जिससे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कोई कोई नट थोड़ा जाम होता है। और ये क्या करता है मशीन की, अगर वो नहीं खुला तो उसको पूरा उसमें घुमाकर उसकी बैंड बजा देता है। तो इसलिए इसका आप उपयोग न खरीदे तो ज़्यादा बेटर है, नॉर्मल टूल यूज करें। ये हमारा DCA मशीन जो कि अच्छा ही है, लेकिन अगर आपको और अच्छा क्वालिटी का लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नया आदमी जो रहता है वो अब उसको पता नहीं रहता क्या लेना चाहिए, तो इससे बेटर वाला लेना चाहिए जिसमें ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहता है आपको कौन सा बोल्ट कैसे देना, इससे थोड़ा अच्छे क्वालिटी का। ये मशीन आपको अगर लॉन्ग टाइम काम करना अच्छे क्वालिटी में तो इसको नहीं लेना है, ये मशीन भी आपको नहीं लेना है अगर आप IC का काम करना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर IC का काम है तो आपको ये मशीन बिल्कुल नहीं लेना है। ये मशीन सिर्फ आपको आएगा नॉर्मली चार्जिंग पिन वगैरह चेंज करने के लिए, नॉर्मल काम के लिए, IC के लिए तो बिल्कुल नहीं, IC के लिए इससे अच्छा लेना है। और अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए हमारा थोड़ा बहुत टूल्स रखा हुआ है इसमें, किसी में चार्जिंग पिन है, किसी में माइक है वगैरह वगैरह। इसके ऊपर ये कबाड़ बैटरी है, खाली ऐसे ही इसका पिन वगैरह कभी काम आ सकता है, इसके लिए हम रखते हैं। और फिर हमारा ये कॉम्बो का बॉक्स है। कॉम्बो आपको कैसे मंगाना है उसके बारे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, मैं कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, कॉम्बो अगर आपको मंगाना है तो देखिए यहाँ पे हमने एक कॉम्बो मंगाया। तो जैसे मान लीजिए कि ये फ़ोन आपके पास आया है, इसका ऑर्डर आपने दिया है, तो जैसे ही आपका इसका कॉम्बो आए आप क्या करिए कि दो पीस मंगाइए, और इसमें एक चेक करिए दोनों को, और एक ठन अपने सेफ रख लीजिए, वो कभी भी पड़ा रहेगा, आपका एक्सचेंज करने का टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका कॉम्बो पड़ा है, ये कॉम्बो आपका चेक हो गया, अब वो सेफ रहेगा, अब जब भी कस्टमर आएंगे तो लगवा लेंगे। और जो मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, जैसे Y91 मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो 4-5 पीस मंगा लीजिए, सबको चेक करके फुर्सत हो जाइए। तो ये काम है। अब आगे में ये देखिए, ये मल्टीमीटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये आप प्रेफर कर सकते हैं, ये मल्टीमीटर ओके है, इसको आप मंगा सकते हैं। इसके बाद ये हमारा बोर्ड, और ये सप्लाई कुछ खाली है, कुछ बोर्ड वहाँ पे है और एक बोर्ड वहाँ पे है, 3-4 बोर्ड लगा है पूरे सिस्टम को बैठाने के लिए। ये हमारा DC मशीन जो कि छोटा पतला वायर वगैरह सोल्डिंग के लिए। इसके बाद ये हमारा सफाई करने के लिए, क्लीनिंग वगैरह के लिए। ये पेट्रोल डब्बा, पेट्रोल है इसके अंदर, सफाई के लिए भी है। ये हमारा लिक्विड बहुत ही बेस्ट है, ये देखिए, अगर आपको सोल्डिंग करना है तो पेस्ट अगर लेना है सोल्डिंग पेस्ट, तो ये पेस्ट मतलब आपको क्या ही बताऊँ, एकदम सुपर। ये घी पेस्ट है, इसके अंदर वो जैसे मान के चलिए कि क्या होता है कि अक्सर आप जब कॉम्बो वगैरह कुछ भी कॉम्बो कह रहा हूँ, जैसे कोई भी छोटा मोटा पार्ट्स निकाल रहे हैं, फिर चार्जिंग पिन, तो ये घी पेस्ट चारों तरफ लगा देने से क्या वहाँ गीलापन आ जाता है, वो जल्दी उड़ता नहीं है। ये हमारा ये अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ये नॉर्मली है, इससे अच्छा क्वालिटी का भी आप ले तो ज़्यादा बेटर होगा, वाइट वाला। और उसके बाद ये हमारा टेप वगैरह कहीं की चिपकाने काम आता है। ये आ गया हमारा कॉम्बो को निकाल के बाद उसको साफ़ करने के लिए उसका जो ग्लू रहता है उसको। और इसके बाद से हमारा कुछ टूल्स वगैरह है, इसके अंदर ब्रश वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद ये एक मशीन है, बैटरी वगैरह, जैसे कोई बैटरी आपका डेड हो गया है तो उसको बूस्ट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, हालांकि बहुत जल्दी ख़राब जाता है। इसका यहाँ पे एक होता है छोटा सा 3 पिन का एक रेजिस्टेंस, बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो अगर उसके पास अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो ही इसको परचेज करिए, क्योंकि ये उतना सही है नहीं। आप इस DC मशीन से अपना काम कर सकते हो। इसके बैटरी को सिंपली क्या करना है, यहाँ पीछे देखिए एल्युमिनियम प्लेट लगाता है, इस पर टेप चिपकाइए और दोनों पिन कनेक्ट करके इसको बूस्ट कर सकते हो आप। तो फाइनली ये था हमारा कुछ बेसिक, मतलब छोटा ही है, एक छोटा सा टेबल, एक तरह से मैं कहूँ तो मेरा रिपेयरिंग टेबल टूर था जिसको मैंने आपको दिखाया। तो अगर आपको रिपेयरिंग करना है तो कुछ इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है और आगे ज़रूरत पड़ सकती है। ये नॉर्मल रिपेयरिंग के लिए है, अगर आपको डीपली थर्ड लेवल की रिपेयरिंग चाहिए तो उसके लिए अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे IC का काम करना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारा फ्रंट में हमारा कैमरा वगैरह है और वहाँ पे लैपटॉप पे हम अपना सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। सॉफ्टवेयर में बस एक UMP डोंगल चाहिए आपको बस, और उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए। तो सॉफ्टवेयर का काम करना है तो कमेंट करिए, उसका भी आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या है। बाकी हार्डवेयर में ये छोटा मोटा रिपेयरिंग के लिए है, और अगर डीपली रिपेयरिंग करना है तो इसमें आपको PPD चाहिए। जैसे कि ये देखिए PPD मेरे को काम लगता है, लेकिन ऐसा PPD चाहिए। इसमें क्या होता है कि ये जो रंगा ही है एक तरह का, लेकिन ये वो रहता है मतलब पेस्ट की तरह रहता है, तो उसको लगा के आप IC में उसका स्टेनलेस स्टील का वो चाहिए, सांचा चाहिए जिसमें वो IC को बैठा के आप वो करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप करने लगोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का था हमारा रिपेयरिंग का ये जो
टूल था। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइए, ये रिपेयरिंग हमारा टूर कैसा लगा टेबल का ये भी बताइए। अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, धन्यवाद।